दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा मंदिर जो साइंस के नियमों को चुनौती देता है, साइंस भी यहाँ घुटने टेक देता है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं भारत के उड़ीसा में स्थित जगन्नाथपुरी मंदिर की, जो चार धामों में से एक है। इस मंदिर के फैक्ट जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक, मंदिर का झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में बहता है। जी हाँ दोस्तों, इस मंदिर शिखाक पर लगे हुए ध्वज बिल्कुल हवा की विपरीत दिशा में बहता है। नंबर दो, सुदर्शन चक्र। जी हाँ दोस्तों, इस मंदिर के ऊपर लगे हुए सुदर्शन चक्र को आप अगर किसी भी एंगल से देखते हो तो उसका मुंह आपकी तरफ ही दिखाई देगा। ये उस जमाने की एंशियंट टेक्नोलॉजी बोलें, क्या बोला जाए, साइंटिस्ट भी फेल है। नंबर तीन, जगन्नाथ मंदिर नो फ्लाइंग जोन में नहीं आता, फिर भी इस मंदिर के ऊपर से कभी भी कोई भी पक्षी या प्लेन नहीं जाता और ना ही कभी मंदिर पर कोई पक्षी बैठता है। नंबर चार, समुद्र की आवाज़। मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते ही समुद्र की लहरों की आवाज़ मंदिर के अंदर नहीं आती। जैसे ही आप एक कदम रखोगे वैसे ही आवाज़ ख़त्म हो जाती है, और जैसे ही आप एक कदम बाहर रखोगे वैसे ही आपको लहरों की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। नंबर पाँच, जयपुरी का जगन्नाथ मंदिर यह साइंटिस्टों के बनाए हुए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी फेल कर देता है। जी हाँ दोस्तों, साइंटिस्टों के अनुसार किसी भी प्रोजेक्ट पर लाइट पड़ती है तो उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है, ऐसे ही मंदिर पर जब धूप पड़ती है उसका परछाई बननी तो चाहिए लेकिन बनती नहीं है। नंबर छः, इस मंदिर के शिखर पर रोज एक पंडित चढ़ता है और रोज उस झंडे को बदलता है। यह प्रथा 1800 सालों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि रोज इस झंडे को बदलना होगा, अगर पंडित ने एक भी दिन झंडा नहीं बदला तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। नंबर सात, मंदिर में बनने वाला प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, मंदिर में रोजाना लाखों की संख्याओं में शरणार्थी आते हैं और मंदिर का प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और ना ही बर्बाद जाता है। जैसे ही मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। नंबर आठ, प्रसाद सात मिट्टी के बर्तनों में बनता है, मिट्टी के मटकों के अंदर बनता है जो एक के ऊपर एक रखी हुई होती हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि सबसे पहले खाना जो होता है वो सबसे ऊपर वाली मटकी में, फिर उससे नीचे ऐसे कर करके सबसे आखिर में सबसे नीचे वाली मटकी में जिसमें आग पड़ रही होती है उसमें सबसे आखिर में खाना पकता है, जबकि जिस पर आग पड़ रही होती है उसमें खाना सबसे पहले पकना चाहिए। सबसे चौंकाने वाली बात है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।